नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक मूत्र रोग विशेषज्ञ, यानी कि एक यूरोलॉजिस्ट या एक पेशाब का सर्जन। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने जाना कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या मूत्र मार्ग निंदा क्या होती है, पेशाब के रुक जाने के कारण। आज जो हम बात करेंगे वो है टॉपिक की पेशाब की नलकी या पेशाब की रुकावट के क्या क्या टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट्स को कैसे करते हैं, इन टेस्ट्स की औसतन कॉस्टिंग क्या होती है और इन टेस्टों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इन टेस्टों में डॉक्टर को क्या जानकारी मिलती है। इसमें जो तीन सबसे कॉमन टेस्ट जो हम कराते हैं मरीजों के, उसमें एक है अल्ट्रासाउंड, एक है यूरोफ्लोमेट्री और एक है MCU RGU। पहले जानते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, मतलब कि इस टेस्ट में हम मरीज के अंदर कुछ भी दवाई नहीं डालते हैं, कोई इंजेक्शन नहीं लगता। एक मशीन है जो साउंड की किरणें मार के हम लोग पेट के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको देख सकते हैं। तो जो पेशाब के रास्ते में रुकावट जांचने में अल्ट्रासाउंड होता है उसको अल्ट्रासाउंड KUBP+PVR बोलते हैं, मतलब कि इसमें गुर्दे, मसाना या पेशाब की थैली, प्रोस्टेट और पेशाब की नलकी को अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट चेक करता है और बताता है कि इसमें पेशाब जो है सही से बन रहा है, पेशाब की वजह से कोई रुकावट तो नहीं है और पेशाब करने के बाद पीछे कोई पेशाब बचता है या नहीं है। इस टेस्ट को यूजुअली खाली पेट कराया जाता है, सुबह होता है। इसमें सबसे पहले आपको जो बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा ताकि पेशाब का अच्छा प्रेशर बने। जब पेशाब का प्रेशर होगा उस टाइम आपको पहले अल्ट्रासाउंड एक करेंगे और उसके बाद आपको बोलेंगे कि पेशाब करके आइए बाथरूम में। आप पेशाब करके फिर से वापस आएंगे और फिर खाली पेट आपका फिर से एक अल्ट्रासाउंड होगा। इस कंपैरिजन से हम बता पाएंगे कि गुर्दे ठीक है नहीं है, गुर्दों और मसाने में कोई पथरी तो नहीं है, मसाने का साइज़ क्या है, मसाने में पेशाब रुकता तो नहीं है, मसाने के अंदर कोई गाढ़ गठान तो नहीं है, प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, गदूद के अंदर कोई रुकावट तो नहीं है। तो इस अल्ट्रासाउंड के कारण हम ये सब कुछ बता पाते हैं। दूसरा टेस्ट है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री मतलब कि एक टेस्ट जिसमें आप नॉर्मली जाकर पेशाब करेंगे एक मशीन के ऊपर। ये मशीन बताएगी कि जो आपकी पेशाब की धार है उसमें कोई कमी तो नहीं है। नॉर्मल आदमी एक ही बार में पूरा पेशाब कर लेता है, खुल के कर लेता है, पेशाब बार बार टूटता नहीं है, रुकता नहीं है। ये मशीन बहुत ही सेंसिटिव होती है और इसके ग्राफ को पढ़कर एज अ यूरोलॉजिस्ट हम बता पाते हैं कि पेशाब में रुकावट तो नहीं है, पेशाब की धार कितनी है, पेशाब का प्रेशर कितना है, पेशाब बार बार टूट तो नहीं रहा है। और इस रिपोर्ट को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि दिक्कत नलकी में है या मसाने में है या प्रोस्टेट में है। तीसरा टेस्ट जो कॉमनली नहीं होता है बट हम कराते हैं इन दोनों टेस्ट के बाद अगर ज़रूरत हो तो, उसको बोलते हैं MCU और RGU। MCU माने कि मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी और RGU माने तो रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी। MCU में क्या करते हैं कि हम एक दवाई लेते हैं, उस दवाई को आपके मसाने के अंदर डाल देते हैं पेशाब की थैली में। जब आपको प्रेशर होता है तो फिर आप एक एक्सरे की मशीन के सामने पेशाब करते हैं। जब आप पेशाब करते हैं तो वो एक्सरे बार बार खींच के हम जान सकते हैं कि जो मसाना है वो कैसा काम कर रहा है, पूरा फूल रहा है नहीं फूल रहा है, प्रेशर बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है। प्रेशर बना रहा है तो पेशाब का रास्ता खुला है नहीं खुला है, पेशाब कहाँ पर रुक रहा है। और RGU में क्या करते हैं कि आपको लिटा के आपके लिंग के रास्ते हम दवाई को आपके मसाने में डालते हैं और जब एक्सरे लेते हैं तो वो बता देता है हमको कि पेशाब का जो रास्ता है वो पूरा खुला है नहीं खुला है और नहीं खुला है तो रुकावट कहाँ पर है। यूजुअली इन तीनों टेस्टों के कॉम्बिनेशन से जो डॉक्टर है वो आपको बता पाता है कि आपके पेशाब के रास्ते में दिक्कत है या नहीं, है तो किस पॉइंट पे है, और उसके बाद हम आपका इलाज जो है वो प्लान कर सकते हैं। इस टेस्टों की औसतन कीमत, अल्ट्रासाउंड की औसतन कीमत 1,000 से 2,000 रुपये होती है, यूरोफ्लोमेट्री की औसतन कीमत 350 रुपये से स्टार्ट होकर 750 से 1,000 रुपये होती है और MCU RGU की औसतन कीमत 2,500 से स्टार्ट होकर 5,000 रुपये तक होती है। नॉर्मली इनमें इतना वेरिएशन डिपेंड करता है कि मशीनें कौन सी यूज़ हो रही है, जो रेडियोलॉजिस्ट है वो कितना ट्रेंड है, दवाइयों की क्वालिटी क्या दी जा रही है, आपका कितना केयरफुली आंकलन किया जा रहा है, तो इसके बेसिस पे कॉस्टिंग डिसाइड होती है। यूजुअली इन टेस्टों के अंदर थोड़ी आप पता कीजिए अपने आसपास कि ये टेस्ट कौन अच्छे तरीके से करता है और सब पता करने के बाद इसकी जांचें कराइए। अगर आपने ये जाँच कराई है या आप ये जाँच कराना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे ये सारी जाँचें अवेलेबल हैं। आप चाहे तो मुझे अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे दिखाइए। मैं खाली उन्हीं मरीजों की जाँचें करता हूँ जिन मरीजों का मैं खुद ही इलाज करूँगा या जो मेरे से इलाज करा रहे हैं।
आप अगर मेरे से कोई डाउट पूछना चाहे या आपके अगर टेस्ट हुए हैं और आप उनके ऊपर कोई ओपिनियन लेना चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे ईमेल या फेसबुक पे संपर्क कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे और जानकारी पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।